मधुबनी जिले के जयनगर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना प्रकाश में आई है। शहर के कमला रोड स्थित काली मंदिर के नज़दीक एक नवजात की लाश को कुत्ते खा रहा था। देखते ही देखते घटनास्थल के नज़दीक लोग इकट्ठा हो गए। इस बाबत छात्र नेता कुमार धीरज कुमार ने बताया कि इस आसपास के क्षेत्रों से भी नवजात के मिलने के कई मामले सामने आया है। हालांकि यह जांच का विषय है, निश्चित तौर पर नाजायज शिशु का मामला हो सकता है। वैसे जितनी मुंह उतनी बातें हो रही है। स्थानीय लोगों की माने तो जयनगर इंडो नेपाल बॉर्डर के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चोरी छिपे अवैध रूप से प्रसव और एबॉर्शन कराया जाता है, जिसमें दर्जनों अवैध क्लिनिक एवं झोला छाप डॉक्टर कुछ सफेद पोश के संरक्षण में चला रहे हैं। इसी तरह के जगहों पर अवैध रूप से इस तरह का कारोबार किया जाता है, इसकी जाँच अति आवश्यक है। बीटी न्यूज बिहार के लिए मधुबनी से पप्पू पूर्वे की रिपोर्ट। शिशु जो देखा गया काली मंदिर के समक्ष, जो एक पुण्य स्थल है गंगा नदी के किनारे बांध पर कमला रोड में, और जिस तरीके से शहर में भ्रूण हत्या की बेहद हमेशा से मीडिया के सुर्खियों में प्रशासन को ये दिखाया गया है कि जयनगर में भ्रूण हत्या जोरों शोरों पर होता है। और अभी हम आपने देखा है कि एक छोटे से बच्चे एक लवारिस अवस्था में यहाँ पर कुत्ता घसीट के लाया हुआ है, और वहाँ पर देखा है कि जिस तरीके से अभी इसी इर्द गिर्द में जो इतने फल फूल गए हैं चिकित्सालय, और जहाँ पे इस तरह का धंधा चलता है, बाहर की महिलाएं हो चाहे कोई युवती हो, और आके ऐसे ऐसे यहाँ पर अगर घटना करती हैं जो अशुभनीय है, निंदनीय है, और इस तरह का दृश्य जो देखने को मिला है जो बहुत ही दिल को दुखाया है हम मोहल्लावासी को, हम लोगों ने इसीलिए ये प्रशासन से मांग किया है कि ऐसे गुणवत्ती आपको रोक लगनी चाहिए। आपका परिचय? धर्मेंद्र भारद्वाज, समाज सेवी।